शहद का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, पर खास तौर पर सर्दियों पर लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और जब गला खराब होता है उससे राहत पाने के लिए। पर वो लोग जो शहद के पीछे क्रूएलिटी है उसकी वजह से उसे छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये खास तौर पर ये रेसिपी बनाई है, जिसकी ना सिर्फ खुशबू और स्वाद पर उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बिल्कुल शहद जैसे हैं। शहद बनाने के लिए हम 5 बड़े सेब ले रहे हैं। आप लाल या हरे कोई भी ले सकते हैं। सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और बीज अलग कर देंगे। इसका छिलका नहीं उतारेंगे क्योंकि छिलकों में पेक्टिन होता है जो आपके शहद को गाढ़ा करने में मदद करेगा। अब इन कटे हुए टुकड़ों को हम एक मिक्सी में डाल के आधे कप पानी के साथ ब्लेंड कर लेंगे ताकि उसकी प्यूरी बन जाए। पानी की मात्रा आप जितनी कम रखेंगे उतना आपको कम वक्त लगेगा शहद तैयार करने में। अब हम एक पतीला लेंगे जिसके ऊपर हम एक छन्नी रखेंगे और उसके ऊपर नट मिल्क बैग या एक साफ कपड़ा रखेंगे। अब जो हमने प्यूरी तैयार की है उसको इस कपड़े से छान लेंगे। अब इस बर्तन में सेब का रस तैयार हो गया है। अब तैयार किए हुए सेब के रस को हम तेज सेक पर उबाल लेंगे। अब इसमें हम सेब के रस जितना ही गुड़ पाउडर डालेंगे और साथ ही एक नींबू का रस डालेंगे। अगर आपको अपने शहद में फूलों की खुशबू चाहिए तो आपको ये फूल टी बैग फॉर्म में मिल जाएंगे या सूखे हुए मिल जाएंगे। 5 से 10 मिनट में जब फूल इसमें इन्फ्यूज हो जाएंगे तो आप ये टी बैग इसमें से निकाल लीजिए ताकि ये इसमें फट ना जाए। आपको पता चल जाएगा कि ये शहद तैयार है जब वो आधा रह जाए और उसकी कंसिस्टेंसी एक तार जितनी हो जाए। इस तैयार शहद को आप बिल्कुल बाजार में मिलने वाले शहद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इस शहद को घर पर बनाइए और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करिए।